सिल्क टीवी भागलपुर में काफी आप जनता की जो कठिनाई है उसको आवाज उठाने का काम करते हैं, आपको तहे दिल से 4 वर्ष पूरा के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि आप आगे और भी अच्छे तरीके से जनता की आवाज उठाइए और जनता भी सिल्क टीवी को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मैं सिल्क टीवी को तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और बहुत ही खुशी का मौका है कि सिल्क टीवी ने भागलपुर में पूरे 4 साल अब कर लिए हैं और 5वें में उसने प्रवेश कर लिया है। किसी भी टीवी को उसकी कवरेज वो किस तरह से देता है ये बहुत मायने रखता है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सिल्क टीवी ने जिस तरह से पूरे भागलपुर शहर का, भागलपुर बहुत ही एक ऐसा शहर है जिसमें मैं देखती हूँ रोज किसी न किसी तरह की एक्टिविटी होती रही है, तो सिल्क टीवी के माध्यम से हमें बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है, तरह तरह की जानकारी, ये सब क्वार्टर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो समाज से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कोविड चल रहा था, कोविड में भी उन्होंने बहुत अच्छा कवरेज दिया और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से सिल्क टीवी ने पिछले 4 वर्षों में अपना ये एक सफ़र बढ़ते हुए इन्होंने ये पूरा किया है, मैं आशा करती हूँ और अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि भविष्य में भी सिल्क टीवी निरंतर प्रगति ही करता रहे। सबसे पहले तो मैं सिल्क टीवी वालों को और उनके क्रू मेंबर्स को कंग्रेचुलेशन देना चाहूंगी, इन्होंने 4 साल में इतना बढ़िया एस्टैब्लिश किया है सिल्क टीवी को और इतना बढ़िया कवरेज इनका रहता है कि भागलपुर और उसके आसपास के इलाकों की खबर हमें इनके माध्यम से जितने संपूर्ण रूप से मिलती है और किसी से नहीं मिलती है और इनका हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटीज रहता है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे साइकिलिंग ग्रुप के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि इनका बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है और हम आशा करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा सिल्क टीवी जो है नेशनल प्लेटफॉर्म बनाए। सिल्क टीवी का यह 4 साल का सफर निष्पक्ष न्यूज देने के लिए, निष्पक्ष कवरेज देने के लिए और स्वास्थ्य परक जो जितने भी संदेश जो है जागरूक करने के लिए भागलपुर वासियों को और पूरे अंग जनपद के लोगों को स्वस्थ बनाने में सिल्क टीवी की बहुत अच्छी भूमिका है और इसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए पूरे सूबे में जो है सिल्क टीवी छा जाए, ये शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर डीपी सिंह पुनः शुभकामना। जिस तरह से सब्सक्राइबर की एक बड़ी होड़ लगी हुई है, इतना सब लाख से ऊपर है, तो मेरी तरफ से एक हार्दिक शुभकामनाएं सिल्क टीवी के सारे लोगों और उनके जो प्रबंधक हैं उनको। मैं जिस बात को बोलूंगा कि 5वें साल में उनकी शुरुआत थोड़ा अलग होनी चाहिए, क्यों लोकल न्यूज के अलावा नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज और बहुत सारे वार्तालाप भी इसमें इंक्लूड होने चाहिए, खास करके खेलकूद से संबंधित और जॉब से रिलेटेड भी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसकी जो वो है TRP जो है और बढ़ेगी और जिस तरह से लोग डेली रेडियो की तरह लोग सुनते हैं, मुझे लगता है सिल्क टीवी का स्थान वहीं पर पहुंच जाएगा कि लोग भूलना ना, हर काम छोड़ के सिल्क टीवी का जो शाम का प्रसारण को सुनेंगे और उसे लाभान्वित होंगे। मित्रों, अपार हर्ष का विषय है कि सिल्क टीवी ने भागलपुर को एक विश्वव्यापी पहचान दी है और मैं कहूँगा कि सिल्क टीवी ने हमें भागलपुर की जो घटनाएं होती है, आसपास की घटनाएं होती है, इनको विश्व के पटल पर, राज्य के पटल पर तो रखते ही हैं, राष्ट्रीय पटल पर भी आप रखते हैं और विश्व के पटल पर भी चले जाता है। और सिल्क टीवी देखने वाले दर्शक यहाँ नहीं, अमेरिका तक से हम लोगों को फ़ोन करते हैं कि भैया सिल्क टीवी पर हमने देखा है और जो यथार्थ है, जो सत्य होता है, वही आप सामने लाते हैं और जो घटनाएँ प्रतिदिन होती हैं आसपास, जो हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएँ हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या उससे इतर भी, उससे अलग भी हर प्रकार की घटनाओं की समस्याओं को आप बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया मुद्दा उठाकर आप रखते हैं और इसके लिए मैं खासकर सैयद इनामुद्दीन की बहुत बहुत तारीफ करूंगा और पूरे सिल्क टीवी परिवार को मेरी तरफ से बधाइयां, धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। सिल्क टीवी द्वारा बिल्कुल अंदर की खबरें लाकर दिखाई जाती हैं और समाज में जो पीड़ित तबका है, जहाँ जिन्हें ज़रूरत होती है कि उनकी आवाज़ आला अधिकारी तक, सरकार तक पहुँचे, उसके लिए निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। हम इसके लिए शुभकामनाएं अल्लाह से करते हैं कि वो इसी तरह बिला भेदभाव के वो सच को दिखाने की हमेशा कोशिश करे और उसके 4 साल बहुत अच्छी तरह पूरे हुए हैं।
आगे भी वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए हम खुदा से दुआ करते हैं। और हमेशा टीवी चैनल के माध्यम से सच्चाई दिखाने की कोशिश होनी चाहिए, और जो गरीब है जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं उनको अधिकार दिलाने का प्रयास होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो सिल्क टीवी हम पिछले विगत एक वर्षों से पिछले साल 25 जून को हम यहाँ ज्वाइन किए थे यूनियन बैंक क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में, और तब से मैं आपका प्रतिदिन जो मेन न्यूज़ होता है शाम का वो जरूर देखते हैं। आपकी जो न्यूज़ की जो कवरेज है उसकी ऑथेंसिटी और जेन्युइननेस दोनों बहुत अच्छी है, और कवरेज आप भागलपुर से रिलेटेड जो भी अगल बगल जो बांका हो गए लखीसराय हो गए नियर बाई की जितनी भी न्यूज़ होती है आप उसको अच्छी तरह से ये करते हैं, क्वालिटी वाइज भी आपकी बहुत अच्छी कवरेज है। तो आपके ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी विकास करते रहिए, और मेरे तरफ से यूनियन बैंक की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सिल्क टीवी का चौथा वर्ष गांठ पर और पांचवें वर्ष में प्रवेश करने पर जन अधिकार पार्टी की ओर से मैं सैयद राघिब हसन बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये न्यूज़ चैनल जो है सिल्क टीवी, ये हमेशा सच्ची खबर को दिखाता है, सच्ची खबर के बारे में तह तक जाकर सच्ची खबर को दिखाता है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सिल्क टीवी के सफलतापूर्वक 4 साल पूरा होने पर मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ भागलपुर की जनता एवं भागलपुर के विकास के लिए आप आवाज़ उठाते रहेंगे, और इसी तरह निर्भीक एवं निष्पक्ष समाचार आम जनता को देते रहें। सिल्क टीवी जो काम कर रहा है समाज में उसकी चौथी वर्षगांठ पे हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं कि सिल्क टीवी ने समाज में निष्पक्ष होकर जो तस्वीर जो आईना समाज को दिखाया है वो बहुत ही सराहनीय है, और हम आपको शुभकामना देते हैं कि आने वाले समय में भी आप अच्छा काम कर सकें। सिल्क टीवी के 4 वर्ष पूरे होने पर मैं शुभकामनाएँ देता हूँ सिल्क टीवी परिवार को, और सिल्क टीवी ने 4 वर्षों में जिस तरह से अपनी पैठ लोगों के बीच बनाई है और जिस तरह से रिपोर्टिंग होती है वो काफ़ी सराहनीय है, और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि ये राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये अपना मुकाम हासिल करें। सबसे पहले सिल्क टीवी को साधुवाद जो उन्होंने निष्पक्ष और अच्छी खबर लोगों को दी है इन 4 वर्षों में, और लोगों को तो आदत सी बन गई है, बिना इसके देखे वो सोते नहीं हैं, ऐसी हमें सूचना है, और मैं भी खुद इसका बराबर से इसको देखता हूँ, और आगे के भविष्य के लिए इनको शुभकामना देता हूँ। वह सिर्फ भागलपुर ही नहीं, अंग प्रदेश ही नहीं, पूरे बिहार और देश में भी धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़े और लोगों को अच्छी और निष्पक्ष खबर दे। भागलपुर में सिल्क टीवी का 4 साल के कम्प्लीट होने के उपलक्ष्य में मैं सिल्क टीवी इनकी और उनकी पूरी टीम को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इनके द्वारा जो खबर आती है वो बहुत दूर दूर के लोग देखते हैं, जैसे कि एक आध इंटरव्यू मेरा भी आया, लोगों का कॉल आता है कि बहुत अच्छा कवरेज रहता है, उससे हमको बहुत कुछ पता चलता है, मेनली हेल्थ इश्यूज पे, जैसे बीच में एक म्यूकर माइकोसिस करके बीमारी गई थी उसके ऊपर इनका कवरेज बहुत अच्छा रहा था, लोगों को जानकारी मिलती है, तो ये बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं सिटी ऑफ भागलपुर के लिए, बिहार के लिए, और बाहर के लोग भी देखते हैं, जो यहाँ के लोग बाहर शिफ्ट हुए हैं वो उनकी न्यूज़ को देखते हैं, तो हम चाहेंगे कि आगे ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहें और अपने काम को और अच्छा बनाते रहें। सबसे पहले तो सिल्क टीवी अपने 4वें वर्ष गांठ को पूरा करते हुए 5वें वर्ष गांठ में आया है, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम न्यूज़ जो है रेगुलर देखते हैं, और हम सिल्क टीवी को ही अपने लोकल न्यूज़ चैनल में हम सबसे पहले सिल्क टीवी को ही देखते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ सिल्क टीवी का आता है वो जेन्युइन होता है और अफेक्टिव भी होता है, तो हम सोने के पहले जब आपका 8:30-9 बजे वीडियो आता है हम जरूर उसको देखने के बाद ही सोते हैं, और ऐसे ही आप लोग निरंतर लगे रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ऐसे ही अपने शहर के खबरों को दिखाते रहिए, शहर से राज्य पे, राज्य से फिर आप देश तक आइए। सिल्क टीवी के 4वें वर्षगांठ पर सिल्क टीवी परिवार को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। आप और आपका परिवार इसी तरह भागलपुर एवं आसपास की जनता को सच्चे साफ सुथरे खबरों से जागरूक करते हुए आगे बढ़ते रहे, यही मेरी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना। हम सबसे पहले सिल्क टीवी के पूरे परिवार को 4वीं वर्षगांठ पे तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं, और सिल्क टीवी द्वारा भागलपुर एवं आसपास के
जितने भी जिले को जिस तरह से ये ईमानदारी से कवर करते हैं, इसके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद। खास करके भागलपुर जिला में स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी खबर होता है वो बहुत अच्छी तरह से ये कवर करते हैं। सफलतापूर्वक और संघर्ष के साथ आपने जो इस मुकाम को हासिल किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पाँचवें वर्ष में प्रवेश करने के लिए भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। मैंने आप लोगों के संघर्ष को नज़दीक से देखा है। समाचार के लिए आप जो मेहनत करते हैं, समाचार के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, और समय पर जो संबंध भी बना के रखा है अपने सब जगह तक कि समाचार का संकलन अच्छा, आगे भी हम लोग की तरफ से भविष्य में शुभकामनाएं। मैं बालकृष्ण पोद्दार, व्यापार संगठन भागलपुर तथा यूनियन बैंक रिक्रिएशन क्लब की ओर से सिल्क टीवी के 4 साल पूर्ण होने पर अनेकानेक बधाइयां देता हूं तथा इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 4 साल पूरे होने पर मैं सिल्क टीवी को बधाई देना चाहता हूं कि आगे भी मुझे इस तरीके का न्यूज दिखाते रहे सब लोगों को, क्योंकि इनके न्यूज को दिखाने का जो तरीका है वो हम लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो बिल्कुल सच और स्वच्छ दिखाते हैं न्यूज, और आसपास के सारे खबर हम लोग सबको मिल जाते हैं इसी बहाने, जो नहीं मिल पाते थे अब मिल जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सिल्क टीवी को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले मैं सिल्क टीवी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने 4 साल सक्सेसफुली पूरा कर लिया है, और मैं आगे के लिए भी इनको शुभकामना देती हूँ। सटीक जानकारी जो भी है वो अपने सिल्क टीवी के माध्यम से लोगों तक ये पहुँचाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी शुरुआत है भागलपुर के लिए कि जो भी भागलपुर और इसके इर्द गिर्द जो भी समाचार होते हैं डॉक्टर से रिलेटेड और भी पब्लिक से रिलेटेड सारे को पब्लिक जो भी हमारी जनता है वहाँ तक अपना मैसेज पहुँचाते हैं, इसलिए मैं पुनः सिल्क टीवी को धन्यवाद देती हूँ। पहले तो सिल्क टीवी को बहुत बहुत बधाई 4 साल पूरा करने के लिए, सक्सेसफुली 4 साल पूरा हो गया और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, हम डॉक्टर्स के साथ भी बहुत सहयोग किया, हमारे भी मैसेजेस को आप पूरे समाज में आप लोगों ने दिखाया समझाया, हम लोग एडवर्टाइजमेंट भी आप लोगों के पास जाता है, और सिल्क टीवी को बहुत बहुत यही संदेश देना चाहता हूँ कि इसी तरह की सर आप अपना मेहनत करते रहिए, चैनल ऐसे ही प्रॉस्पर करते रहिए। धन्यवाद। पहले तो सिल्क टीवी को अपना 4 साल कम्प्लीट करने का और 5वें साल में जाने का बहुत बहुत बधाइयाँ। जो काम आप लोग पिछले 4 साल से कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय रहा है। आप लोगों ने जितना हेल्थ कवरेज दिया है, जितने रीसेंट टॉपिक्स, जितने भी नई नई चीज़ें भागलपुर में घट रही है उसको आप लोगों ने उजागर किया है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। लोगों को पता चला है हेल्थ के संबंध में, खासकर कोरोना काल में जितना भी लोगों के साथ बीता, जितनी संवेदनशील बातें हुई हैं, जितना उनको जागरूक किया है, ये सब काफ़ी ही अच्छा रहा है। आगे भी उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग ऐसा ही काम करते रहेंगे और नई नई ऊंचाइयों को पहुंचेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर खुशबू सदा, MDS एंडोडोंटिस्ट हूं। मैं सबसे पहले सिल्क टीवी का 4 साल कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, स्पेशली कोविड टाइम्स में, जबकि हर एक एरिया कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही अनसेफ है, उसमें डॉक्टर्स और न्यूज़ रिपोर्टर्स ने जो काम किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है हम लोगों तक सारे मैसेजेस पहुँचाने के लिए। मैं हमेशा उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। सिल्क टीवी के 4 साल पूरा होने पर एजाज सैदना फाउंडेशन के सचिव सैयद अहमद अता हुसाम कादरी साहब, साथ ही मैं मोहम्मद आजम खान और हमारी पूरी टीम के द्वारा सिल्क टीवी को पहले तो मुबारकबाद देते हैं और सिल्क टीवी के कार्य की हम लोग सराहना करते हैं। वो हमेशा अपने कार्य पर खड़ी उतरती है और आगे भी हम लोग दुआ करते हैं कि सिल्क टीवी ऐसे ही आगे फले फूले और हम लोगों को सही मैसेज लोगों तक सही मैसेज पहुंचाए। सिल्क टीवी को 4 वर्ष पूरा करने पे हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि आगे भविष्य में भी इसी तरह निष्पक्ष तरीके से अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। यहां हमारे क्षेत्र में 9 बजता है, सभी हमारे जो जनता है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, ये उम्मीद करते हैं कि 9 बजे सिल्क टीवी क्या दिखाएगा वही सच्चाई होगी, इसकी उम्मीद रखते हैं लोग, इसीलिए मैं फिर से सिल्क टीवी को हार्दिक बधाई हो। सिल्क टीवी का 4 साल पूरा होने पर सिल्क टीवी देखने वाले शहर के सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं
और उम्मीद करता हूँ इसी तरह सिल्क टीवी के माध्यम से स्वच्छ एवं पवित्र रूप से समाचार दिखाते रहें। सिल्क टीवी के सभी सदस्यों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। सिल्क टीवी के सभी दर्शकों को मैं बधाई देता हूँ और सिल्क टीवी 4 साल से मैं लगभग शुरुआत से सिल्क टीवी को देख रहा हूँ और सिल्क टीवी जिस प्रकार से न्यूज चलाती है वो निष्पक्ष न्यूज चलाती है और इसमें क्या है कि सभी तरह के न्यूज़ को किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करते हैं। मैं सिल्क टीवी को के दर्शकों को बधाई के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिल्क टीवी और आगे बढ़े, इसे कहीं ना कहीं सिल्क टीवी के साथ साथ हम लोग का भी एक अपना ये है क्योंकि हम लोग भी इसमें जो है अपना जिस प्रकार से न्यूज़ वगैरह देते हैं निष्पक्ष रूप में इसमें न्यूज़ चलता है। 4 साल के इस लंबे सफर में जिस प्रकार से सिल्क टीवी के जितने भी सदस्य उन्होंने मेहनत करके सारे सच और सत्य न्यूज़ को सामने लाने का प्रयास किया है, साथ ही साथ एजुकेशन के क्षेत्र में जो सिल्क टीवी के लोगों ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं सभी सिल्क टीवी के जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ मेरी ये शुभकामना है कि ये सिल्क टीवी जो है लगातार तेजी से आगे बढ़ते रहे और पूरे बिहार क्या पूरे देश में छा जाए और सभी सत्य न्यूज को हमेशा आगे लाते रहें। मैं सिल्क टीवी के 4 साल पूरे होने पे मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। आप बहुत अच्छा दिखाते हैं, ऐसे ही दिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं वली अहमद खान, अहमदाबाद गुजरात से। मेरी जाय पैदाइश भागलपुर है, अहमदाबाद में वेल सेटल्ड हूँ और सिल्क टीवी न्यूज़ मैं करीब 4 साल से देख रहा हूँ। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है और मैं भागलपुर के तमाम खबरों से बाखबर रहता हूँ, अपनों से बाखबर रहता हूँ। लॉकडाउन के अंदर इन्होंने रिपोर्टिंग बहुत अच्छी की है और इसको और ज़्यादा व्यूअर्स होने चाहिए, हमारी ऐसी दुआ है, कोशिश है। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी नाथनगर सिल्क टीवी चैनल को 4 साल होने के उपलक्ष्य में सभी टीम के सदस्यों को हार्दिक शुभकामना देती हूँ। सिल्क टीवी न्यूज चैनल के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सिल्क टीवी न्यूज चैनल के सभी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। महादेव इसी तरह देश दुनिया में सिल्क टीवी का नाम रोशन हो, यही प्रार्थना है। पूरे भागलपुर में सिल्क टीवी का 4 साल कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, सभी वर्गों और सभी कार्यक्रम सिल्क टीवी परिवार भागलपुर में नंबर 1 रहा और सिल्क टीवी के जितने परिवार हैं सभी लोगों ने खूब मेहनत किया, इसको आगे पूरे भागलपुर में 1 नंबर पे है। मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार में ये सिल्क टीवी 1 नंबर पर हो और पूरे भागलपुर में एक इतिहास रचने का काम किया। मैं तमाम फिर से तमाम भागलपुर की जनता, नाथनगर की जनता की ओर से तमाम सिल्क टीवी के परिवार को ढेर सारी बधाई और तरक्की हुए और ये चैनल और पूरे बिहार में नाम रोशन करे। सिल्क टीवी न्यूज के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर मैं सिल्क टीवी परिवार के संवाददाता, पूरी टीम और इनके जितने भी दर्शक हैं, मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, इतने कम समय में सिल्क टीवी ने न सिर्फ भागलपुर बल्कि आसपास के जिलों के साथ साथ पूरे बिहार एवं देश दुनिया में जिस प्रकार अपने सत्यता के बदौलत एक स्थान स्थापित किया है वह बुरी प्रशंसा के काबिल है। और मैं सिल्क टीवी को विशेष धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि आपके न्यूज़ का मतलब होता है सत्य से मुलाकात, सत्य से परिचय। आज सिल्क टीवी का 4th साल पूरा हो रहा है, इसके लिए मैं सिल्क टीवी को धन्यवाद देता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं। सिल्क टीवी काफ़ी इस 4 साल में जो इन्होंने काम किया है वो क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा और मजबूती से अपने समाचार को रखा है। मैं तमाम सिल्क टीवी के अधिकारी एवं कर्मचारी एवं पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सिल्क टीवी को अपनी मेहनत से काफ़ी ऊंचाई तक ले गए हैं और जो
क्षेत्र में समाचार न्यूज होना चाहिए वह अच्छे से, और पत्राचार को भी बहुत बखूबी निभाए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सिल्क टीवी। सिल्क टीवी के 4 साल पूरे होने पर ढेर सारी बधाई। 4 वर्षों में सिल्क टीवी ने जनता के समस्याओं को उठाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उनके लिए सिल्क टीवी के सभी टीम सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं।